गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे इज डे नंबर 25 ऑफ माय 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो यस गाइस, टुडे इज डे 25 एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीच में ओकेजन्स थे, फेस्टिवल्स वगैरह थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पाया था वर्कआउट, बट मैं बैक टू अपने वापस से रूटीन पे आ गई हूँ। एंड अगर वेट का अपडेट बताएं तो अभी 60 kg हुआ है मेरा वेट, जैसे कि पहले था मेरा अराउंड 61 और 62 के बीच में लास्ट मंथ जब मैंने चैलेंज किया था, अभी मेरा 60 हो चुका है। बाकी इससे नहीं, ना ही कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है, तो वहीं पर अटका हुआ है। एंड रही बात मेरे वर्कआउट की, तो गाइज वर्कआउट तो मेरा डेली होता है, बस बीच में जैसे मैंने बताया तो नहीं हो पाया था। एंड प्लस देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं अपने अक्सर ब्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि 70% हमारा डाइट होता है एंड 30% हमारा वर्कआउट होता है। अगर आप खाते रहोगे एंड वर्कआउट करोगे तो वेट कभी कम नहीं होगा। आपको जो है थोड़ा सा अपने डाइट पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, पोर्शन कंट्रोल, एंड साथ साथ अपनी मील्स पे भी देखना होगा कि आप थ्रू आउट द डे कितनी मील्स खा रहे हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मील्स लेनी चाहिए थ्रू आउट द डे, जिसमें वेजिटेबल्स एंड कर्ड मिल्क एंड फ्रूट्स, ये सब इंक्लूड होना चाहिए एंड इंक्लूडिंग नट्स ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें आप जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो, बिकॉज सबका ही अपना अपना एक बेनिफिट होता है, जो कि एक अच्छा ही फैक्टर होता है, कुछ बुरा नहीं है। एंड रिफाइंड शुगर अवॉइड करो, रिफाइंड फ्लावर अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो। खाने का कभी मन है तो वंस इन अ वाइल खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में, स्मॉल पोर्शन। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड कहते हैं कि सी सेक्शन के बाद वेट कम नहीं होता, सो मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। नॉट एडमायरिंग माई सेल्फ, बट हाँ मैं अपनी, मतलब कहते हैं ना, तारीफ नहीं कर रही हूँ, खुद से ही अपनी तारीफ करना तो बेकार है जब तक सामने वाला ना करे। बट गाइज एक बात बताऊँ, आज के टाइम पे सामने वाला करे या ना करे, अपनी तारीफ खुद कर डालो, बिकॉज आप एफर्ट्स डाल रहे हो यार, ठीक है ना। तो मेरा वेट 76 kg था आफ्टर द डिलीवरी, तो मैंने जो है 5 months में अपना ऑलमोस्ट 15 to 16 kg वेट कम करा था। एंड उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी वैसे भी शेयर कर ही रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ थ्रू माई चैलेंजेस। तो अगर आप भी वेट कम करना चाहते हो ना, अपने आप को, खुद को चैलेंज दो कि मुझे इतने टाइम में इतना वेट कम करना है। एंड जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स पे ध्यान दो, एक सही तरीका होना चाहिए गाइज वेट कम करने का। गलत तरीके से करोगे तो आपकी बॉडी में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इंजरीज हो जाएंगी कुछ ना कुछ। अच्छा वर्कआउट करो, सही वर्कआउट करो और सही डाइट लो, वेट क्यों नहीं कम होगा, जरूर कम होगा। बिकॉज एंड हम एक दूसरे को ही मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं, जितने भी वुमेन्स हैं जिनकी डिलीवरीज हुई हैं, वो सोचते हैं कि हमारा वेट कम नहीं होगा, तो आप मुझसे एक मोटिवेशन ले सकते हो एंड आपका वेट ज़रूर कम होगा। सो बस इसी के साथ हमने आज का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है डे 25 का। एंड ये जितना भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ गाइस, कुछ ना कुछ मैं न्यू लाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं फुल बॉडी फैट लॉस दिखाती हूँ आपको, जिसमें आपकी ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स जो है इंक्लूड होंगे, जहाँ जहाँ भी आपका फैट स्टक हो चुका है वो सब लूज होगा, ठीक है। एंड जो हमारा बेली फैट है ना, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो इतना जल्दी कम नहीं होता है। तो ये नहीं सोचे कि हम जैसे आज हमने वर्कआउट स्टार्ट करा है तो हम कल से ही वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करने लग जाएंगे और कम होगा नहीं और हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हर एक चीज़ को टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम सही राह पे आना, ठीक है। एंड ये नहीं करना कि वेट कम नहीं हो रहा तो हम छोड़ देंगे। गाइस मेरा जो वेट था ना, 76 से 71 आ गया था, बिकॉज जैसे मैं बेबी को फीड कराती थी एंड जैसे थोड़े बहुत, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइस छोटे बच्चों के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा 3 से 4 kg अपने आप लूज हो गया था। लेकिन मेरा वेट 69 पे एंड 70 के बीच में इतना गंदा स्टक हुआ कि मैं खुद परेशान होने लग गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि इसका यही सॉल्यूशन है, डाइट पे ध्यान दो, वर्कआउट करो, तो मैंने अपना सब करना स्टार्ट करा था। लेकिन मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से जो है पहले रिलैक्स मोड में रखा था, अच्छे से उसको टाइम दिया,
बॉडी को समझने के लिए टाइम दिया कि मैं अभी वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ या नहीं। जब मुझे लगा कि मैं वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ तो मैंने धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करी। पहले मैं नॉर्मल वॉक करती थी, देन मैंने ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करी। देन मुझे टाइम नहीं मिलता था बाहर जाने का, बिकॉज बेबी के साथ हम बाहर नहीं जा सकते, बेबी को छोड़कर भी नहीं जा सकते, बिकॉज बेबी को मदर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब मेरी डॉटर सोती थी उस टाइम पे मैं अपना वर्कआउट कर लेती थी। तो धीरे 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 ग्रेजुअली जो है मेरा वेट कम होने लगा, एंड आज से जो है मेरा वेट 76 से 60 हो चुका है। सो आपका भी ज़रूर होगा गाइज, आप बस इसी वर्कआउट को फॉलो करो। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दो एंड मैं उसकी तुरंत आंसर दूंगी। एंड बस इसके साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वर्कआउट फिनिश होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि थ्रू आउट द डे मेरी फुल डे की डाइट क्या रही। सो एंजॉय करो मेरा आज का वर्कआउट। तो जैसे कि वेदर थोड़ा चेंज हो गया ना, तो मैं मॉर्निंग में उठ के ना लिक्विड वाटर लेती हूँ, एंड उसके बाद ली थी मैंने ये ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद मैंने लिए थे एम्प्टी स्टमक थोड़े से एलमंड्स। देन ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पर लिया था पोहा, साथ में ली थी विदाउट जेगरी विदाउट शुगर चाय। एंड गाइस पोहा जो है ना काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ होता है प्रोटीन का, तो आप पोहा ज़रूर खाएं, एंड वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, एंड फ्रूट्स ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। देन मैंने मिड मॉर्निंग ब्रेक में जो है फ्रूट्स खाए थे, जो कि पपाया था
एंड देन लंच नहीं किया था तो वो मैंने डायरेक्ट इवनिंग टी ली थी, साथ में थोड़े से नट्स मखाने वगैरह फॉक्स नट्स ये सब ले लिया था, तो बिकॉज थोड़ी सी भूख थी एंड प्लस हेल्दी खाया तो भूख फिनिश हो गई। तो डिनर में मैंने यहाँ पे सांभर और राइस लिया था। सो ये थी मेरी फुल डे की डाइट। सांभर में मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली थी, वेजिटेबल्स में जो है फाइबर होता है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट।